भटकड़ी है आपके समक्ष। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि फर्जी मुकदमे तमाम आंदोलनकारी, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, तमाम बनारस के सार्वजनिक संगठन हैं और तमाम राजनेता हैं, हमारे सरकार और हमारे जनता के बीच का जो अटूट विश्वास है उसको आपसे निवेदन है करबद्ध कि आप उसको पूरा करने दीजिए। हम अपने सरकार से अपना निवेदन करते हैं, हम जानते हैं कि आपका जो नैतिक जिम्मेदारी है वो सुरक्षा की, लेकिन उस सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं और आंदोलन खत्म। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी माननीय महोदय हिंसक तब होता है। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं पूर्व कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ और आज जो ये प्रोटेस्ट है आप देख सकते हैं कि पूरे बदन में जो है जंजीर से जकड़ करके हाथों में प्रतीक स्वरूप हथकड़ी लगाया गया। ये लोकतंत्र का वो हथकड़ी है जो जनता और सरकार के बीच का जो अटूट विश्वास होता है उसके बीच में ये पुलिस जो हमारा जिला पुलिस है वो जबरिया जो है इस हथकड़ी का प्रतीक है। आपको हम बता दें कि हमारी जनता और विपक्ष और सरकार के बीच में एक राजनीतिक और एक अविश्वसनीय संबंध होता है। जब हमको कोई दर्द होता है तो हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि विगत कई दिनों से जब जब कोई आदमी या जनता या विपक्षीगण अपने सरकार से अपने दर्द को कहने जाता है तब तब भारी तादाद में फोर्स लगा करके आंदोलन का दमन किया जाता है। यह आंदोलन का जो दमन करने का जो नीति है जिला वाराणसी का, जिला पुलिस प्रशासन का, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह हथकड़ी लगा करके जिला प्रशासन के समक्ष अपना आंदोलन किया है और अपने SSP महोदय को अपना ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि सरकार और जनता के बीच में आपका दमनकारी नीति इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, आपका यह सुरक्षा करने का नियम है, आप जो सुरक्षा देते हो, हमें अपने पुलिस प्रशासन पर गर्व है, लेकिन आंदोलनकारी जनता और सरकार के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते में खलनायक के रूप में हमारा यह प्रशासन हमारे ऊपर प्रहार करता है, फर्जी मुकदमे लगाता है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह आंदोलन किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा जिला प्रशासन और हमारे SSP महोदय हमारे इस बात को समझेंगे, आगामी कोई भी आंदोलन होगा तो वो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन लगाएंगे लेकिन आंदोलन तोड़ेंगे नहीं तो ये जंजीर यूं ही लोकतंत्र के लिए खड़ा रहेगा और आंदोलन हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है वरिष्ठ चिकित्सक के नाम पे कि अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसको दमनपूर्वक न रोक किया जाए। मैंने बता दिया है कि अगर आपका आंदोलन शांतिपूर्वक रहा तो कोई बात नहीं, आप अनुमति प्राप्त करें और जहाँ करना हो वहाँ करें, अनुमति प्राप्त करके मजिस्ट्रेट से। इस तरह अगर रोड जाम करेंगे और जो आंदोलन हिंसक होगा तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस का काम जो है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना रखना है चाहे जिस तरीके से भी हो। तो उनका ज्ञापन था कि जो है हमें शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाए, आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें पुलिस प्रवर्तन ना हो, तो हम लोग